सभी को बहुत बहुत की नमस्ते। जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कौन कौन आ चुका है? सैम, दिव्यांशु, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बड़े लंबे इंतज़ार के बाद सीबीएसई ने आखिरकार सैंपल पेपर इशू कर दिए, तो ऑलमोस्ट सभी के स्कूल अंदर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा अगर जल्दी आ जाता तो हाफ ईयरली आपके एग्ज़ाम भी ना शायद इसी पैटर्न के ऊपर हिसाब से होते, लेकिन चलो जो भी है, अब हमारे पास एक सैंपल पेपर आ चुका है। अब ऑफिशियली जो है सीबीएसई की तरफ से, अब आपकी जो आगे की प्रेपरेशन है उसी हिसाब से हमें आगे करनी स्टार्ट करनी है। तो पहले हम फटाफट देख लेते हैं कि सैंपल पेपर जिन बच्चों को नहीं पता अभी कि भाई कहाँ पर अवेलेबल है, तो फटाफट मैं आपको बता दूं। वैसे तो ज़्यादातर तो आप लोग स्मार्ट हैं, पता सबको होगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है। सीबीएसई की वेबसाइट आप खोलेंगे cbse.gov.in। अब इसमें जाएंगे तो आपके पास जो ये एकेडमिक वेबसाइट होती है इस पर आप जाएंगे सबसे पहले। तो इसमें एकेडमिक सेक्शन के अंदर सबसे पहले ही जो सर्कुलर आ रहा है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2022-23, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नेक्स्ट विंडो खुलनी चाहिए। तो ये आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, इसमें आपकी क्लास 10th है या 12th है उस पर आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सैंपल पेपर आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके शो होंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है। ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, चलो छोड़ो, हो सकता है नेट की स्पीड थोड़ा गड़बड़ हो। तो यहाँ से आपको मतलब क्लिक करोगे आपके पास सैंपल पेपर आपके मिल जाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगे और उसमें से आपको फिर जो आपका सब्जेक्ट है वो चूज़ कर लेना है। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो हम वही ओपन कर लेते हैं, वहाँ से तो टाइम लग रहा है अभी। तो हमारे पास जो सैंपल पेपर है तो ये सैंपल पेपर आ गया हमारे पास, ठीक है। आप जब डाउनलोड करोगे तो हो सकता है ऐसे ब्लैक में ना मिले, आपको वाइट में मिलेगा। अब सबसे पहली जो बात है कि एक तो आपको एग्ज़ामिनेशन जो है, क्योंकि एक बार अब एग्ज़ाम होना है आपका, बार बार दो एग्ज़ाम नहीं होने जैसे लास्ट ईयर था, ठीक है। दो टर्म के, टर्म वन था, टर्म टू था, तो आपका जो एग्ज़ाम है एक ही बार होना है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है और 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। सब्जेक्ट्स वगैरह आपको कराए जाते हैं, ठीक है। इसके 20 मार्क्स होंगे। अब इसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, फाइल्स भी हो सकती हैं, और जो आप रेगुलर काम करते हो आपके टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग कितनी है ये भी बहुत ज़रूरी है, ये 20 मार्क्स लेने के लिए। तो बॉन्डिंग आपकी अच्छी रहनी चाहिए आपके टीचर के साथ, ताकि आप ये 20 में से 20 बिल्कुल अच्छे से आप लेकर आओ, ठीक है। कोई भी किसी का भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए यहाँ पर। चलो पर एक बार फटाफट हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर लेंदी, शीता लेंदी नहीं है पेपर, अभी आप पहली बार देख रहे हो, जब थोड़ा उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस करना सीखेंगे ना तो फिर वो लेंदी नहीं रहेगा, ठीक है। अभी दिख रहा है हमें लेंदी क्योंकि अभी इस तरह के हमने ज़्यादा कुछ करे नहीं है। हाँ भीम, चलो अच्छी बात है, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया, ठीक है। ऊपर से गया, ऊपर से नहीं जाना चाहिए भाई। वेरी गुड सूर्य, 92%। सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं, सबके साथ बॉन्डिंग रखनी है, ठीक है, सबके साथ बॉन्डिंग रखनी है।
तो अब यहाँ पर जो सेक्शन की हम बात करते हैं कि सेक्शन कितने क्या क्या सेक्शन है, जिस जो आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन लंबा पेपर लंबा है या छोटा है जो भी है, तो सेक्शन ए के अंदर हमारे पास मतलब ए बी सी डी ई पांच सेक्शन हमारे पास हैं। इस पांचों सेक्शन में से जो सेक्शन ए है 20 मार्क्स की वेटेज है, और सेक्शन बी की वेटेज 10 मार्क्स की है, सेक्शन सी की वेटेज 18 मार्क्स की है, सेक्शन डी की वेटेज 20 मार्क्स की है, और सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड स्टडीज है उसकी वेटेज जो है 12 मार्क्स की है। सेक्शन ए के अंदर 20 MCQ होंगे। अभी हम देखेंगे कि किस तरह के MCQ दे रखे हैं, तो 20 आपके MCQ होंगे 1 मार्क के। सेक्शन बी के अंदर 5 वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे जो कि 2 2 मार्क्स के हैं, तो 5 2 10 इधर हो गया। और सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, 3 मार्क्स के हैं, 18 मार्क्स आपके यहाँ से बन गए। सेक्शन डी के अंदर 4 लॉन्ग आंसर हैं और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 20 मार्क्स आपके यहाँ पर बने। उसके बाद जो केस स्टडी यहाँ पर दी हुई है, 3 केस स्टडी मिलेंगी आपको। हर एक केस स्टडी के अंदर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, जो 1 मार्क्स के होंगे, और 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। अब केस स्टडी में अभी तक जो ज़्यादातर होता था, या आपके स्कूल में भी शायद केस स्टडीज़ वगैरह दी गई हों, उनके अंदर ज़्यादातर ऐसा था कि केस स्टडीज़ के अंदर भी MCQs थे, लेकिन यहाँ पर CBSE ने खेल खेल दिया कि आपको केस स्टडीज़ के अंदर MCQs नहीं दिए, ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चाहे वो वेरी शॉर्ट है या शॉर्ट है, जो भी है, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे इसमें इंटरनल चॉइसेस जो दे रखी हैं आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, दे जो केस स्टडी का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। तो जो वेरी शॉर्ट वाला होगा उसमें नहीं करना, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, वो आपको करना ही करना है। उसके बाद फिर जो इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन सेक्शन बी, तो सेक्शन बी के क्वेश्चन थे 5, उसमें 2 में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, और 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में मिलेगी, 2 क्वेश्चन सेक्शन डी में मिलेगी। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव इन ऑल सच क्वेश्चन। तो जहाँ पर इंटरनल चॉइसेज होगी वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं पेपर पर कि अब ये पेपर आपका कैसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। जो पहले 20 MCQs हैं, तो पहला MCQ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका कांग्रेस मॉडुलो का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ से आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अभी हम सॉल्यूशन वगैरह नहीं कर रहे, सॉल्यूशन के लिए मैं अलग सेपरेट पूरा इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हाँ, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। अभी नहीं, थोड़ा सा हम सिलेबस और बढ़ा लेते हैं, सिलेबस कर लेते हैं तब हम करेंगे, क्योंकि अभी मैं अगर वीडियो बना के डाल भी दूँ तो आधा तो ऊपर से जाएगा जब तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो पहले सिलेबस पूरा करेंगे, ऑलमोस्ट जब एंड पर होंगे तब आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और सेक्शन जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, प्लस जो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जो भी साइन होगा वो साइन आपको यहाँ पर फिल करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ पर इन्फ्रेंशियल स्टेट से, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला लगाकर बड़े आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। मतलब एक नंबर भी मैं कहूँ तो एक नंबर भी डिजर्व नहीं करता है, इतना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में आपको ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस करने के लिए जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं, जो बोट एंड स्ट्रीम की जिसने वीडियोस देखी होंगी, जो स्टार्टिंग का जो बेसिक वाला वीडियो है जिसके अंदर सारे फार्मूले विद डेरिवेशन मैंने आपको बता रखे हैं, वो फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। क्योंकि इसमें अगर आप रेगुलर मेथड यूज़ करोगे ना तो ये एक नंबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो इसलिए वो फार्मूले ढंग से याद करना और उसके हिसाब से आप बड़े आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैम्पल फ्रॉम ए पॉपुलेशन, ये भी इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का क्वेश्चन है, तो इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के तीसरा क्वेश्चन है MCQ में ये। टू वाटर सप्लाइंग ट्रक ए एंड बी, एक तरह से आपका जनरल जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि विच ट्रक इज एबल टू डिलीवर मोर वाटर एंड बाय हाउ मच, तो आपको उसकी कैपेसिटी निकालनी है कि ट्रक ए या ट्रक बी जो है वो कितना लेके जा रहा है। वट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ सिंकिंग फंड दैट यील्ड ए डिविडेंड ऑफ रुपीज़, फेस वैल्यू सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड का फार्मूला लगाना, सीधा सीधा आंसर आपका बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन में आपको एक ये LPP का क्वेश्चन है, फिगर आपको दे रखी होगी, इस फिगर से आपको बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है।
टेंथ क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रोडक्शन इज डिलेड फॉर द 3 वीक ड्यू टू ए ब्रेक डाउन ऑफ ए मशीन एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स अंडर विच ट्रेंड ऑसिलेशन डज दिस सिचुएशन फॉल अंडर। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका टाइम सीरीज का, ठीक है। टाइम सीरीज में आपको इसमें ऑप्शन बताना है। हाँ तन्वी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब फाइनल में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है 11th क्वेश्चन में, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन कॉस्ट रुपीज दिस, एस्टिमेट इज स्क्रैप वैल्यू और 25,000 एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन वाला जो फार्मूला है वो आप लगाओगे, ठीक है। ये भी मतलब बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि LPP में ये जो रीज़न आपको दिया हुआ है, इस रीज़न को बोलते क्या है। तो चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक चूज़ करना है और ये बताना है कि इस रीज़न को बोलते क्या है। तो ये दूसरा क्वेश्चन LPP का हमें मिल गया। इसमें एक पहले भी हमने नहीं, जो फिगर थी वो तो उसकी थी, एरिया ऑफ बाउंडेड फिगर की थी। अच्छा, एरिया ऑफ बाउंडेड फिगर वो आपकी जो MLF अग्रवाल की जो बुक है ना, उसमें वो नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन। अब तो इसका क्वेश्चन कोई वैसा नहीं आएगा, बट सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने के लिए हम इसमें से मतलब क्या यूज़ करते हैं। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट हम करते हैं उसमें इंटीग्रल के, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है। क्वेश्चन हमें नहीं दे रखे हैं इसमें, आगे भी हम देख लेंगे अभी स्कोर। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 बिकम्स ₹60,000 फोर ईयर देन CAGR। तो CAGR आपको निकालना है, जब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करेंगे तो उसमें आप सीख जाएंगे कि CAGR कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका भी एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला अप्लाई करना है CAGR का और आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद फिर कहता है इन व्हाट रेशो आई एड वाटर टू द लिक्विड डिटर्जेंट कॉस्टिंग रुपीज दिस पर एलिगेशन मिक्सर का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, मतलब MCQs में आपको ऐसे दे रखे हैं जो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ए ग्रेन होलसेलर विजिट द ग्रेनरी मार्केट वाइल गोइंग अराउंड टू मेक ए गुड परचेज, ही टेक्स ए हैंडफुल ऑफ राइस फ्रॉम रैंडम सैंपल। ये भी आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स का, इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स का चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है। MCQs में ध्यान रखना ये बात कि इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स इस बार ज़्यादातर MCQs में दे रखी है इसने। फॉर प्रेडिक्टिंग द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इन द सेल ऑफ स्कूटर, ये आपका ट्रेंड लाइन जो कौन सा है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। यानी टाइम सीरीज से दूसरा क्वेश्चन आया। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स से, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन MCQ में है और इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स टोटल है कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का ही है क्या इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स? 5 मार्क्स का ही है और ये पांचवा क्वेश्चन MCQ में, मतलब 5 क्वेश्चन इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स के MCQ में। अगर ऐसा ही पैटर्न रहता है तो इन्फ्लुएंशियल स्टेट लास्ट ईयर बच्चे बड़े परेशान थे इस चैप्टर में, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें कंफ्यूजिंग दे रखी है। लेकिन अगर ऐसे पैटर्न में आ गया, 5 क्वेश्चन आपको MCQs में मिल गए, तो ये मत लगा लोगे इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स भी आपका बहुत अच्छे से बड़े आराम से आप कर लोगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं MCQs में assertion और रीजन के। तो assertion रीजन में आपको 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसके हिसाब से आपको इनमें से कोई एक सॉल्यूशन देखना होता है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो वो दोनों स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, दोनों स्टेटमेंट में देखेंगे कि भाई क्या चीज़ इसमें दी हुई है। अगर पहले वाली जो एसर्शन दे रखा है ये रीज़न उसको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। थर्ड में ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, फोर्थ में ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर इसके हिसाब से 2 क्वेश्चन ये मिलेंगे हमें एसर्शन रीज़न के। तो MCQs क्वेश्चंस अगर बात करूँ ना मैं, तो 20 क्वेश्चन है, और अगर मैं जेनुअनली बात करूँ तो 20 मिनट भी नहीं लेंगे, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर आप ये क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हो, जैसे जिस लेवल का क्वेश्चन अभी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और होप करते हैं कि भाई ऐसा ही पेपर रहे, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो लास्ट ईयर भी ऐसा नहीं था कि जो CBSE ने सैम्पल पेपर दिया था उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट पेपर रहा हो, लगभग वही लेवल था। और उसी तरीके का लेवल इस बार उम्मीद करते हैं कि भाई वैसा ही लेवल रहेगा जैसा सैंपल पेपर इशू किया गया। फिर भी मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। सैंपल पेपर का काम वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है, जो लास्ट ईयर सैंपल पेपर हमने लॉन्च किया था सेकंड टर्म का, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था आप लोगों के थ्रू। तो इस साल भी अभी कुछ बच्चों के तो कमेंट अभी से आने स्टार्ट हो गए सैंपल पेपर के लिए, तो उस पर अभी काम होना स्टार्ट हो गया आज से, क्योंकि अभी तक पैटर्न के बारे में थोड़ा सा वो था, तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। जल्दी ही आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। सेक्शन बी पे हम आते हैं, तो सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन हमें करने हैं, 2 नंबर के,
टेलीग्राम में मैसेज चलते रहते हैं, बच्चों के मैसेज चलते रहते हैं, मेरे कम चलते हैं। ठीक है हर्ष, बहुत बढ़िया बेटा, 40 out of 40। ठीक है, तो आप लोग उस चैनल प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, मतलब गॉसिप्स के लिए यूज़ मत करो उसको, अपने डाउट्स वगैरह के लिए यूज़ करो और एक दूसरे के डाउट्स वहाँ पर सॉल्व करो। वहाँ देखता हूँ मैं अक्सर कि एक बच्चा डाउट पूछ लेता है लेकिन बाकी को इसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको आता है तो ज़रूर उसको सॉल्व करो, आपकी भी प्रैक्टिस होगी और दूसरे का डाउट भी दूर हो जाएगा। तनिष्क, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बेटा अभी पॉसिबल नहीं है बनाना, अभी थोड़ा हम सिलेबस ज़रा कवर कर लें, उसके बाद सब प्रोवाइड मैं आपको सब कुछ करूँगा। हाँ लेकिन हाफ ईयरली में मैं ज़्यादा कुछ आपको ऐसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या वन शॉट्स हैं जो लास्ट ईयर के हैं, आप उनसे उनको देख सकते हो, उनसे आप कर सकते हो प्रेपरेशन। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी टाइम की वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करना चाह भी रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेली, मुझे पता है कि डेली डेली मैं एक एक वीडियो डेली डेली बना रहा हूँ तो अपलोड ताकि होता रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है, चलो खैर उसको भी करेंगे। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 250,000 कैश इज इक्वलेंट टू ए परपेचुटी ऑफ रुपीज़। परपेचुटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है परपेचुटी, तो आप इसको मतलब उस परपेचुटी वाला फार्मूला लगाएंगे और उससे बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ज़्यादा डिफिकल्ट हो, और मैट्रिक्स से आप कर ही चुके हो। मैट्रिक्स में यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से देखकर आपको ए और बी सी जो भी वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू निकाल कर आपको बस यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद इसके ऑप्शन में आपको डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो जब ऑप्शन में क्वेश्चन देते ना तो चूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। ठीक है, जितना आप अच्छी तरह चूज़ करोगे उतना आपका टाइम बचेगा। अरे देसी पजल टूल्स क्यों रोने लग रहे हो भाई, हंसते रहो गुनगुनाते रहो मस्त रहो यार। तो जब भी ऑप्शन मिलेगा तो दोनों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना और कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए वो क्वेश्चन फिर आप उसके हिसाब से करो। ठीक है, कई बार ऑप्शन में ऐसा होता है कि दोनों आसान भी क्वेश्चन होते हैं, दोनों मुश्किल भी होते हैं, वहाँ पर आपकी चॉइस मैटर करती है कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज़ करो ताकि आपका टाइम भी बचे और क्वेश्चन आपका सही भी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन सारा का सारा आपको LPP का क्वेश्चन दे रखा है। अब LPP के क्वेश्चन में आपको यहाँ मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है क्योंकि आपके इस बार सिलेबस में कॉर्नर पॉइंट मेथड भी है और ISO प्रॉफिट और कॉस्ट मेथड भी है। अगर मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है तो जिस मेथड से आप करना चाहते हो उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप जिस मर्जी मेथड से कर लो अगर नाम नहीं दिया हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा कि आप प्रेफर कॉर्नर पॉइंट मेथड ही करना। ठीक है, ISO कॉस्ट मेथड अगर नाम दे दिया हो तो वो करना, अदरवाइज कॉर्नर पॉइंट मेथड करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए बैट्समैन टेक्स हाफ एज मच टाइम इन द रोइंग इज बोर्ड फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस। ये भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, दो नंबर में ही है, तो वो डायरेक्ट फार्मूले अगर आपको याद है तो वो लगाकर आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ब्लूप्रिंट बेटा मैं बना के डाल दूंगा उस पर, कम्युनिटी टैब पे बना के डाल दूंगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है रेसेस एंड गेम्स का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दिख ही भी रहा होगा, आपने अगर कर रखी हो प्रैक्टिस तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। 25th क्वेश्चन है, मितुल इन्वेस्टेड रुपीज 350,000 इन फंड एट द एंड ऑफ द ईयर, द वैल्यू ऑफ फंड इज दिस, व्हाट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट द मार्केट प्राइस इज सेम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सेक्शन बी के जो पांच क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन बड़े इसमें आसान दे रखे हैं। एक भी मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मैं पढ़ाता हूँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि आसान है, वाकई में अगर आपने भी ध्यान से देखा होगा, अगर या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हों उन्होंने देखा हो पेपर, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन सी पर, तो यहाँ पर इंटरवल निकालना है आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। इसमें ये अगर आपको वेवी कर्व मेथड आता है तो आप जल्दी निकाल लोगे इंटरवल, वेवी कर्व नहीं आता है अगर तो उसको सीख लो, बड़े काम का मेथड है। ठीक है, आपके जो कहाँ पर इंक्रीज होगा कहाँ पर डिक्रीज होगा बड़े जल्दी उससे आप निकाल सकते हैं। 27 में आपको दो अलग अलग वो दे रखे हैं और मैट्रिक्स अलजेब्रा आपको यूज़ करके, मतलब इसको ये जो डाटा आपको दे रखा है इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके आपको कैलोरीज और प्रोटीन की आपको रिक्वायरमेंट बतानी है।
ठीक है, तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बड़े आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। मतलब ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप बिना ज़्यादा टाइम लिए बड़े इजीली कर लोगे। अब आती है मेन बात, मेन समस्या, जो अभी तक जो भी मुझे थोड़ा बहुत फीडबैक मिला आप लोगों के थ्रू, या लास्ट ईयर भी जो प्रॉब्लम थी, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी इंटीग्रल्स में। ठीक है, इंटीग्रल्स बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो इसको करने का बस एक ही तरीका है कि जो भी आप इसमें करोगे ना, मतलब जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको आपको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट अगर आपने पकड़ लिया तो एंड आप इसका बड़े आराम से कर लोगे। क्योंकि तो प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा पंगा होता है कि आगे जाके कई सारे फार्मूले लगाने पड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, बोर्ड एग्जाम से पहले तो बेटा तनिष्क बना देंगे, चिंता मत करो। नहीं, डरने वरने की कोई बात नहीं है, बस इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं ना, उन स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो कि वो कैसे आपको स्टार्ट करने चाहिए। क्योंकि जब आप स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हो, अगर आपको स्टार्ट समझ में नहीं आया ना, तो वो बड़ा परेशान कर देता है इंटीग्रल्स में स्पेशली। तो उनको जहाँ भी, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप क्वेश्चन में अपनी बुक के अंदर मार्क कर लिया करो कि भाई ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और पेंसिल से बेशक लिख भी लिया करो, या अपने जो नोट्स बना रखे हैं उसमें उसको ध्यान रखो कि आपको जो ये क्वेश्चन जो करने हैं, मतलब किस तरीके से स्टार्ट करने हैं। ठीक है, हाँ स्नेहा, बताते हैं अभी लास्ट में, वो करते हैं सारी बातें वो डिस्कस। ठीक है, तो ये दोनों इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं, बस आपको स्टार्ट इनका समझ में आ गया तो मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको स्टार्ट पकड़ में आना चाहिए कि क्या करना है। जैसे यहाँ पर ये 1 + e की पावर x है, यहाँ e की पावर -x है, यहाँ -x है, यहाँ +x है, तो दोनों को आप यहाँ पर सेम बनाओ, या तो दोनों को e की पावर -x में कर लो, या दोनों को ही प्लस में कर लो। उसके बाद आप देखोगे कि फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा, बड़े आराम से समझ जाओगे किसको आपको टी पुट करना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, पहले सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा ये, उसके बाद ये पार्शल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सीधा लॉग का आर्ग्यूमेंट है 1 + x2। तो ये मैंने अपनी जो वीडियोज़ है इंटीग्रेशन के, उसमें जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दिया करो कि जो 1 + x2 है, यहाँ पर लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्स नहीं है। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर एक्स नहीं है, कुछ और है, तो आप उसमें उसी को उठा के टी पुट कर दो। अगर और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले उसी को उठा के टी पुट करो। तो जब आप ये 1 + x² को टी पुट करोगे ना, तो ये वाला एक्स खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उसको इंटीग्रेट कर लोगे। उसके बाद 29th क्वेश्चन है, उसमें कहता है अंडर द प्योर मार्केट कंपिटिशन सिनेरियो द डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन, ये दो फंक्शन आपको दे रखे हैं। अगर प्योर मार्केट कंपटीशन है तो आपको पता है कि डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, टोने टूट के नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नहीं चाय नहीं है, पानी पी रहा हूँ, गला वैसे ही खराब है। और थोड़े दिनों में कुछ मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, कुछ छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करेंगे एजुकेशन से अलग। ठीक है, कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, उसी की वजह से मेरा गला भी ख़राब है, तो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी एक बार देख लेना, तो एक थोड़ा दूसरी साइड मेरी आपको पता चलेगी। तो इसके ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पर ये वही डिमांड फंक्शन वाला क्वेश्चन है। डिमांड फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट आपको ये दे रखी है, और इंटीग्रल की हेल्प से आपको कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, चाय हो, चाय होती तो मैं बुला लेता, इनविटेशन दे देता, गर्म पानी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दे दिया है सुरजीत परचेज दे, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि उसने डाउन पेमेंट करनी है, होम लोन ले लिया है, डाउन पेमेंट करके ईएमआई उसकी बना दी, इतना इंटरेस्ट हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको यूज़ करके, ईएमआई वाला क्वेश्चन है। नहीं नहीं भाई, सिंगिंग विंगिंग नहीं है, सिंगिंग तो अपने बस की नहीं है, दूर तो सोचता भी नहीं मैं तो। 31st में कहता है कि 10 ईयर एगो द मिस्टर मेरा सेटअप है, ये सिंगिंग फंड का क्वेश्चन हो गया, डॉक्टर की हायर एजुकेशन के लिए सिंगिंग फंड उन्हें बनाना है। ठीक है, और उनको इतना अमाउंट मिल गया, तो व्हाट अमाउंट डिड ही पुट इन द सिंगिंग फंड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर द 10 ईयर, मतलब कितना सिंगिंग फंड में उन्हें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि उन्हें टोटल इतना अमाउंट मिल जाए। तो सेक्शन सी
अगर फिर मैं कहूँगा कि आसान है, आप कहोगे आप तो हर एक क्वेश्चन आसान बताते जा रहे हो, लेकिन वाकई में आसान है। ठीक है, नहीं, पार्थ मिमिक्री वगैरह भी नहीं है। तो सेक्शन सी भी मतलब आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में ये हो गया आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि लैम्डा क्या है। ठीक है, हाँ स्नेहा ये बुक इनफ है, उसके अलावा सैम्पल पेपर हम इशू करेंगे, वो सैम्पल पेपर कर लो और ML अग्रवाल कर लो, इनफ है। तो यहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लैम्डा निकालना आना चाहिए कि लैम्डा क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, N क्या है, P क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। वैल्यू हमें चाहिए होती है e की पावर माइनस में जो भी होता है उसकी वैल्यू हमें चाहिए होता है, और यहाँ से आपको लैम्डा भी पता चल जाता है कि लैम्डा 3 आना चाहिए, अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो भी रही है तो पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ अर्नब सैंपल पेपर पे काम चल रहा है बेटा। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन आपको दे दिया इसने, यहाँ पर ये दे दिया किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी आसान होता है, इसमें आपको टेबल नहीं दे रखी है, टेबल यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब टेबल नहीं, वैल्यूज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो वैल्यूज़ यहाँ पर आपको नहीं दे रखी है। थैंक यू नैनका, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट 33rd में, एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेज रुपीज दिस पर गेस्ट फॉर ए बल्क बुकिंग फॉर 100 गेस्ट, इन एडिशन इट ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द नंबर ऑफ गेस्ट दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी द कंपनी रिसीव। ये क्वेश्चन आपको शायद CBSE हैंडबुक में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको मतलब प्रॉफिट निकालना है कि बुकिंग पर कितना प्रॉफिट होगा, तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। और मैक्सिमम मिनिमा का ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और मिल रहा है, यहाँ पर जो रेवेन्यू फंक्शन वाली एक्सरसाइज है हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है ML अग्रवाल में। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे ख्याल उसी में है या उसके जैसा ही है, तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन जो मैक्सिमम मिनिमा के दे रखे हैं ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही दे रखे हैं ज़्यादा, उस तरह के जो मेंसुरेशन वाले जो क्वेश्चन हैं वो नहीं दे रखे हैं। ठीक है, थैंक यू नैनका, थैंक यू। तो जो क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम, लेकिन ये मत सोचना कि वो क्वेश्चन आ नहीं सकते, कहीं आप देखो सैम्पल पेपर में वो क्वेश्चन नहीं है तो उनको बिल्कुल ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। लास्ट ईयर भी पिछली बार ऐसा हुआ था कि जो सैम्पल पेपर इशू हुआ टर्म 2 का, तो उसके अंदर इंटीग्रल का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, जो प्रॉपर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो एक भी नहीं दिया था, प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस ये दिए थे। तो बहुत से बच्चों का कमेंट ये था कि सर प्रॉपर इंटीग्रेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ, तो क्यों इसमें दिमाग खपाएं। तो मैंने उनको भी बोला था कि आ सकता है इंटीग्रेशन का, और वाकई में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था, प्रॉपर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था। तो सैम्पल पेपर एक बस सैम्पल होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन उसके अंदर है उसी टाइप के ही आएंगे। ठीक है, उससे अलग नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं। ठीक, ये बस एक आपको दे दिया कि भाई हाँ इस तरह का लगभग लगभग लेवल ये होगा, लेकिन ये नहीं है कि क्वेश्चन उसी तरीके के होंगे आपके। ठीक है, अब पेपर लीक मैं कर दूंगा, पेपर लीक मैं बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन आने हैं, चिंता मत करो। ठीक है, बस आप अभी अपनी पढ़ाई करते रहो, बस पेपर के टाइम पे मैं बता दूंगा क्या आना है क्या नहीं आना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हम 34th क्वेश्चन पे थे, ये क्वेश्चन बनता है किसका, LPP का क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन दे रखी है उससे आपको जेड बनाना है, जेड बना के कंस्ट्रेंट बनाने, तो कंस्ट्रेंट बनाओगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, LPP का, हाँ हाँ चिंता मत करो, पेपर लीक होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द थ्री कम्पिटिटिव मार्केट आर डिस्क्राइब्ड एज गिवन बिलो। ये आपको तीन इक्वेशन दे दी, अब तीन इक्वेशन दे दी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बस यहाँ पर इसने क्या करा, मैट्रिक्स मेथड में हम यूज टू हैं एक्स वाई जेड को यूज़ करने के, इसने क्या करा, इसने दे दिया यहाँ पर P1 P2 P3, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर वही है एक्स प्लस 2 वाई प्लस में 3 जेड इक्वल्स टू 85। थोड़ा सा भाई इक्विलिब्रियम प्राइस दे दिया यहाँ पर, P1 P2 P3 कर दिया, और कुछ भी नहीं है। कोर्स आपका अक्टूबर नवंबर नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं केस स्टडी पे।
तो पहली केस स्टडी आपको दे दी यहाँ पर जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन है। तो पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन में जैसे हम टाइम वर्क का जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है यहाँ पर। थैंक यू लक्ष्य, थैंक यू, बहुत ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। तो यहाँ से आपको ये तो फिगर विगर दे रखी होती है, कुछ नहीं, बस डेकोरेशन के लिए होती है, बाकी इसमें कुछ काम, फिगर का कुछ काम होता नहीं है। ठीक, मैं स्नेहा दिल्ली से हूँ बेटा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आपको सारा यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से समझना है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है पूरा, और उसके बाद आपको तीन क्वेश्चन का, क्वेश्चन दो ऊपर दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास, दो पाइप अटैच है, तीन पाइप अटैच है यहाँ पर, दो इनलेट है और एक आउटलेट है। तो आउटलेट वाला पाइप जो होता है वो पानी खाली करता है, मतलब उसको आपको नेगेटिव में लेना है, और जो इनलेट है उनको आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो आपने अगर इसके क्वेश्चन कर रखे हैं पाइप सिस्टम के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से निकाल लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें अलग अलग पार्ट्स में कर दिया है, पहला एक नंबर का है, दूसरा एक नंबर का है, और जो ऑप्शन जहाँ मिलेगा आपको वो दो नंबर का है। तो उसमें से देखना आपको जो आसान लगता है वो क्वेश्चन आप करो। उसके बाद जो सेकंड केस स्टडी है, ये टाइम सीरीज़ की केस स्टडी है, ये आपको डाटा दे रखा है। इस डाटा से आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यहाँ पहले में लगाना है, ठीक है। दूसरे में आपको डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निक ऑफ फिट द बेस्ट सूटेड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ थ्री ईयर मूविंग एवरेज, इसमें थ्री ईयर मूविंग एवरेज करना। एस्टिमेटेड सेल, जब आप थ्री ईयर मूविंग एवरेज से निकाल लोगे, डाटा बना लोगे, तो आप जो आगे की एवरेज सेल है वो भी निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें भी आपको केस स्टडी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी है। तो बहुत सिंपल केस स्टडी है ये भी, यहाँ पर ये जो भी आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको पता है कि इन सब का सम वन होता है, यहाँ से इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लो। और के की वैल्यू निकाल के फिर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो जो जैसे जैसे आपसे यहाँ दे रखा है, एटलीस्ट 2 वीक दे रखा है, तो दो या उससे कम वालों की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मतलब ई एक्स निकालना है आपको, यानी मीन निकालना है, ठीक है। थैंक यू सुषमा, थैंक यू। और उसके बाद ऑप्शन में वो क्वेश्चन इसके दे रखा है, तो कुछ नहीं, ये ऑप्शन में पूरा ही क्वेश्चन है। तो ये पेपर पूरा हमारा हो गया ख़त्म। और पेपर जनरली अगर मैं पेपर की बात करूँ, तो पेपर वाकई में जो सैम्पल पेपर है वो तो वाकई में आसान है, ठीक है। इसमें तो मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 80 out of 80 ला सकते हैं। मेरे कितने आए थे यार, मेरी मत पूछो, क्यों फूल पट्टी खोल रहे हो, मेरे तो बहुत कम आए थे, ठीक है। हाँ, अभी शुरू अभी ख़त्म, बस आपको करने में टाइम लगेगा, मुझे तो उसमें बताने में टाइम नहीं लगा, ठीक है। लेकिन पेपर ऐसा है, जो अभी स्टार्टिंग में आप कुछ कमेंट कर रहे थे कि पेपर लेंदी है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल लेंदी नहीं है। इंटीग्रल्स के भी यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है, वो भी ऑप्शन में था। तो अगर ऐसा भी आ जाता है तो इंटीग्रल्स भी आपको परेशान नहीं करेगा। और जो परेशान करने वाले टॉपिक है, इंटीग्रल्स लगा लो, इन्फ्रेंशियल का जो पार्ट है, जो कैलकुलेटिव पार्ट है, वो थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन वो यहाँ पर दे ही नहीं रखा है, MCQs में दे रखे हैं सारे। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के जो फार्मूले मैंने स्टार्टिंग में बता रखे हैं ना, वो स्टार्टिंग के जो फार्मूले हैं वो ज़रूर आप याद कर लेना, डायरेक्ट निकाल लोगे। कोई बात नहीं स्नेहा, आपके स्कूल में नहीं हुआ तो आप हमारे साथ साथ चलते रहो, तो आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, स्कूल में जब होता रहेगा करते रहेंगे। नोडिया प्रेस के क्वेश्चन बेटा एक बार सिलेबस पर ख़त्म करा लूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ, कुमाऊँ गया, ट्रिक्स बता दूंगा आपको कैसे करनी है। मुझे चैप्टर की रिवीजन, चैप्टर तो ख़त्म करने हैं, तो आयुष चैप्टर ख़त्म कर लें फिर उसके बाद करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाते कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं ना, आप पढ़ते रहो, बस पढ़ना है तुम्हें तो कहीं से पढ़ लो। डिफ्रेंशिएशन AOD और इंटीरियल्स, नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन का तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन यहाँ पर था नहीं, लेकिन फिर बात वही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था तो ये नहीं कि करना नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं है तो फिर एप्लीकेशन भी नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा तो इंटीग्रल भी नहीं होगा, तो इसलिए वो तो करना ही करना है।
सैंपल वीवर अभी टाइम लगेगा, थोड़ा अभी टाइम लगेगा। आपके लोगों का सिलेबस जब तक ख़त्म होगा उससे पहले पहले कोशिश करेंगे कि हम कर दें। चिंता मत करो, चिंता मत करो। आर डी शर्मा से अप्लाइड मैथमेटिक्स करा तो दो, लेकिन आर डी शर्मा ने बहुत क्वेश्चन उसमें छोड़ने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, करने वाले कम मिलते हैं, बहुत इरेलीवेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार। ठीक है तनिष्क, बहुत बढ़िया। एन सी आर टी मतलब CBSE हैंडबुक। अब बेस्ट नहीं, उसको नहीं कह सकते बेस्ट। एक्चुअली बेस्ट अभी बताओ ना, बेस्ट अभी कोई नहीं है। कुछ आप पार्ट ML से करो, कुछ पार्ट CBSE हैंडबुक से करो, या कुछ पार्ट RD से कर रहे हो, जो मतलब जहाँ से आपको लगता है आप वहाँ से कर सकते हो। हाँ लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अभी तक जो बुक अवेलेबल है, नोडिया प्रेस की बुक अभी ज़्यादा स्कूल्स में लगी नहीं है। अगर वो लगती तो मैं कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा बेटर बुक है, लेकिन वो अभी ज़्यादा बच्चों के पास नहीं है। तो आप ML अग्रवाल को ये प्रेफर करो। बाकी उसके अलावा जो सैम्पल पेपर्स होंगे, सैम्पल पेपर हम भी अपने सैम्पल पेपर निकाल रहे हैं, और उसके अलावा और भी सैम्पल पेपर और पब्लिशर भी निकालेंगे। तो जितना सैम्पल पेपर आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सैम्पल पेपर हम 10 से 15 सैम्पल पेपर की प्लानिंग है अभी, इतने तो कम से कम होंगे। और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक पे भी काम चल रहा है। अक्टूबर तक मुश्किल है, अक्टूबर तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी बीच में बिज़ी हूँ, इसलिए अक्टूबर तक मैं अभी पूरा नहीं करा पाऊँगा। हाँ नवंबर में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, नवंबर से पहले पहले ही, क्योंकि जो ज़्यादा लेंथी टॉपिक थे वो तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ रह गया है क्या, प्रोबेबिलिटी रह गया है, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स रह गया, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स रह गया, LPP रह गया। LPP भी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो मैंने करा दी थी, बाकी की तो वही सेम एक्सरसाइज है, उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है और प्रोबेबिलिटी है, ये दो चैप्टर लेंदी है। इसके अलावा इन्फ्रेंशियल बचता है, टाइम सीरीज बचता है, बाकी तो और कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो हमने कर ही लिया। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखना है उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि आपको बाइनोमियल में भी बनाना है, तो वहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो आपको बनाना सीखना है। नहीं बेटा तनिष, मैथ के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए कोई और सब्जेक्ट में सोचता भी नहीं पढ़ाने की। लॉन्ग डिवीजन मेथड इन इंटीग्रल, लॉन्ग डिवीजन मेथड तो एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में करते हैं ना, जहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है, तो वो करना ही पड़ेगा आपको। AOD में कौन सा पोर्शन हार्ड लगता है? आई थिंक बस वो जो एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन करने होते हैं, बस वही थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो मुश्किल नहीं है मेरे पास, मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल कर लोगे, ML अग्रवाल पे भी डिपेंड रहे, लास्ट ईयर भी ML अग्रवाल ही करी थी हमने और बहुत बढ़िया से पेपर गए थे बच्चों के। बुक सब अच्छी हैं, बुक ललित शर्मा की आप कर रहे हो वो भी अच्छी है, बुक आप RD कर रहे हो वो भी अच्छी है, बुक कोई ख़राब नहीं होती है। बस ये थोड़ा हमें देखना होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के हिसाब से और हमारे कोर्स के रिलेवेंस के हिसाब से किस में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। आयुष, अभी मैं इस तरह की वीडियो अभी नहीं बना सकता कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए डेडिकेटेड वीडियोस, हाँ बाद में मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। हाँ क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, वही तो हमें समझना है ना। बोर्ड पेपर मॉडरेट ही आएगा, मॉडरेट ही आता है, ना इजी आता ना हार्ड आता है। कोई कोई कभी कभार एक्सेप्शनल होते हैं कि जब पेपर हार्ड बन जाता है, इजी तो कभी नहीं बनता। हाउ टू स्कोर फुल स्कोर करना है भाई, गॉड क्लासेस देखते रहो, फुल स्कोर आ जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो। ठीक है जैसे मैं बता रहा हूँ बस वो आप फॉलो करते रहो तो फुल ज़रूर आएगा। हाँ लक्ष्य है, गॉड क्लासेस इनफ है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी तरफ से 100% करो, मेरी तरफ से भी आपको 100% नहीं उससे ज़्यादा ही मिलेगा, चिंता मत करो। ठीक है अब लास्ट ईयर भी जो बच्चे थे वो अगर आप लोगों के टच में हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत बता देंगे। हाँ बहुत बढ़िया XYZ, आप लोगों का सपोर्ट ही है जो 1K से हम 25K तक आ चुके हैं, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो आप लोगों का सपोर्ट ही रहता है, आप लोगों की रिकमेंडेशन ही है। अब तो पहले तो मैं फिर भी अपने आसपास रिकमेंड करता था कि हाँ भाई चैनल देखो, लेकिन
आप लोगों के सपोर्ट पे चलता है पूरा इंटीग्रेशन भव्य। जो इंटीग्रेशन के जो आप क्वेश्चंस पे मत जाओ, क्वेश्चंस पे मत जाओ इंटीग्रेशन के डायरेक्टली, उस पर पहले आप जाओ जो बेसिक वाले वीडियोस है ना, जो उसमें बेसिक में मैंने समझाया हुआ है, पहले उस पर जाओ उनको समझो अच्छे तरीके से, उनमें प्रॉब्लम निकालो, उस पर थोड़ा सा काम करो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करने जाओगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, और नहीं निकलेंगे फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे। तो पहले बेसिक्स को अच्छी तरह समझो। टर्म टू का फाइनल सीबीएसई पेपर, टर्म टू का लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट ईयर के भी पेपर हम सॉल्व करेंगे, टर्म वन का भी टर्म टू का दोनों आपको मिल जाएंगे चैनल पे। नहीं लक्ष्य, स्कूल तो मैं अपना भी छोड़ने जा रहा हूँ आपका मैं ज्वाइन कैसे करूँगा? जिसका डिफरेंशिएशन नहीं है उसमें टी लगा दो। अच्छा जी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव इसको समझ नहीं आता अभी उसके। आप मैं यही कहूँगा कि अभी ना, अभी तो हमारे पास टाइम है, तो आप बेसिक्स वाले जो भी वीडियो हो जाए, कभी भी एक्सरसाइज के पीछे मत भागना कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करने बैठ जाओ वो आपसे नहीं निकले और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो। अपना टाइम की वजह से छोड़ रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कई सारे मतलब प्लानिंग है दिमाग के अंदर क्या क्या और करना है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे स्कूल वाले भी अभी मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। आपके स्कूल टीचर स्ट्रिक्ट हैं? मैथमेटिक्स के टीचर ना ज़्यादातर स्ट्रिक्ट ही होते हैं। मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा ओके, चलो बहुत बढ़िया, आपके स्कूल टीचर को थैंक यू कहना मेरी तरफ से भी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें तब स्टार्ट करूँगा। कुछ अभी वीडियोस सीबीएसई हैंडबुक के भी मैं डालने वाला हूँ। स्नेहा अभी अर्निंग क्या बताऊँ, अर्निंग अभी ऐसी कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है कि भाई इतनी अर्निंग लगभग मैं मान लूँ कि इतनी अर्निंग होती है, और अभी इतनी अर्निंग है भी नहीं कि मैं पूरी तरह यूट्यूब के ऊपर डिपेंड हो जाऊँ। चलो अच्छी बात है, लीनियंट है आपके टीचर तो। तनिष ओहो बहुत बढ़िया, अगर इतना हो जाए ना, इतना हो जाए तो भाई बात ही है। हाँ आ जाओ हमारे स्कूल में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग खुशी, आई थिंक इस सेशन के स्टूडेंट के साथ पहली बार ही मैं लाइव आया हूँ तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा लाइव सेशन और लूँ। मैं यहाँ दिल्ली में स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें हूँ। चलो मज़ा आना चाहिए आप लोगों को, मज़ा आना चाहिए, बस बोर नहीं होने चाहिए। सीक्रेट टैलेंट इंडिया 11th का, अच्छा 11th क्लास के टॉपिक देख के आओ। चलो बहुत बढ़िया, सैंपल पेपर अभी नहीं हुआ है बेटा, सैंपल अभी टाइम लगेगा। हाँ डाउट सेशन जब लूँगा तो उसमें अपने डाउट्स आप रख लेना, उससे पहले मैं कुछ आपको और इंटीमेशन दे दूंगा जिसमें जिसके डाउट्स हैं ना वो आप मुझे मेल कर देना, ताकि इसमें हमें यहाँ पर लेने में टाइम ना लगे, फटाफट आपके डाउट लेंगे जो भी लाइव सेशन करेंगे तो उसमें अपने डाउट्स आप बता देना। बाकी स्कूल के अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर अपना पेपर भी शेयर करो, आप अपने आप से स्टार्ट करो, अपना पेपर भी शेयर करो, दूसरे को भी आप बोलो कि वो भी अपने पेपर शेयर करें। केंद्रीय विद्यालय से उसने, अच्छी बात है, चलो आपके पास कुछ अगर वो आया हो क्वेश्चन बैंक वगैरह केंद्रीय विद्यालय वाले देते रहते हैं, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बैंक आए तो उसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है राहुल, अगर आप 50 का सोच के जा रहे हो तो 50 लेकर आने ये मान के चलना, 50 से फिर 49 ना आए, ऐसे तैयारी करो। 50 सोच के जा रहे हो, 50 के 50 लेकर आओ। इंट्रो अपडेट करें, इंट्रो भाई मेरे को देखो ये सब बनाने आते नहीं है। वो इंट्रो भी आप में से किसी स्टूडेंट ने बना के दिया था, उससे पहला इंट्रो भी किसी स्टूडेंट ने बना के दिया था। सबसे पहला इंट्रो मैंने बनाया था जो बहुत ख़राब था, ठीक है? तो आप में से अगर किसी को आता हो तो आप भेजो मुझे, फिर उसको हम लगा देंगे चैनल पे। शाउट आउट टू जयेश सर। जयेश सर कौन है बेटा? मैं जानता नहीं जयेश सर कौन है, आपके टीचर हैं? मेरा फेवरेट क्रिकेटर अब रिटायर हो गया है, सचिन तेंदुलकर था। अब तो क्रिकेट देखना बहुत कम कर दिया है। टेलीग्राम लिंक जो भी वीडियो जो भी है ना हमारे, उसके सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फार्मूला चीट शीट मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, मैंने डाली हुई थी पहले, दोबारा डाल दूंगा। नहीं, क्वेश्चन सैंपल पेपर के बहुत इजी हैं। ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करो, क्योंकि वो उस ऐप पर अवेलेबल नहीं है, वो टीचमेंट पे क्लासेस होती हैं उसकी। नहीं, रोज़ इंट्रो बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक इंट्रो बना दो, उससे आगे 4-5 महीने चल जाएंगे। सैंपल पेपर डिस्कशन तो कुछ ही ख़त्म भी हो गया, आप अब आए हो। फिजिक्स PW फिजिक्स वाला, अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया। 80 में से बिल्कुल 80 वाली तैयारी मिल जाएंगे। मेल आईडी गॉड क्लासेस गॉड @gmail.com, ठीक है? उल्टा कर देना बस, क्लासेस गॉड @gmail.com। तो पूरा सैम्पल पेपर बहुत आसान था, ऐसा कोई कुछ भी मुश्किल नहीं था, केस स्टडी भी मुश्किल नहीं थी। एमसीक्यूज़ में बस अगर आप नोटिस करो तो बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा थे बजाय सॉल्व करने के, तो बेसिक्स पर ज़रा थोड़ा सा और ध्यान पड़ना, ठीक है? हाँ, सैंपल पेपर ये वाला भी करवा दूँगा, लास्ट ईयर वाले भी करवा दूँगा। अच्छा चलो, बना के भेजो इंट्रो, फिर करते हैं, ठीक है? चलिए, और बातें तो चलती रहेंगी, आज यहीं पर एंड करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, ठीक है? कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आऊँ। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।